वेलकम टू सामियोन एग्रो मेरिन। आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं खेजूर में, चाहे किसी भी वैरायटी का खेजूर अपने कल्टीवेशन किए हैं, फ्रूट आने के बाद स्पाइडर नेट, जिसको हम मकड़ी के जाला भी कहते हैं, जो आते हैं और इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा और क्यों आते हैं रीज़न। अगर ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देख सकते हैं तो दिक्कत बहुत ही बड़ा दिक्कत है, क्योंकि आपका खेजूर का जो फ्रूट जैसे भी साइज का है सेम साइज का रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और बढ़ता है तो इसको पकेगा नहीं। इसका सॉल्यूशन दो तरीके से आप इसको ले सकते हैं। पहला चीज़, इसको पानी से धो सकते हैं, और नहीं तो जैसे हम N99 और N90/B जो फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ मिलकर इसको चिकड़ाव कर सकते हैं, तो जो स्पाइडर नेट है, मकड़ी के जाली है, ये नहीं रहेगा। और आपको, आपके पास यदि एक से ज़्यादा या 20-50 जो भी प्लांट है, हर एक प्लांट को आपको देखना चाहिए कि हुआ है कि नहीं। खजूर प्लांट को सही तरीके से पानी नहीं मिलने की वजह से भी होता है, और साथ ही साथ जो वेदर है, ये तो हम लोग के हाथ में नहीं होता है, एज पर वेदर के हिसाब से भी होता है। 100 में 10% तक ये होने के चांसेस है। अगर होता है, कोई ऐसे कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, आप पानी से छिड़काव कीजिए तो ये नष्ट हो जाएगा। और बेहतर है आप जो ट्रेनर है, जो फार्मर समियन एग्रोमेरिन LLP का है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो ट्रेनर है आपका, उनके पास से डिस्कस करके सॉल्यूशन ले लीजिए, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है, तो 2 दिन में गायब हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। नेचुरली खजूर में कोई जो कीड़ा वगैरह रोग वगैरह नहीं होता है, मगर ये अलग किस्म का ही है, स्पाइडर नेट है, और जब इसको पकड़ के जड़ में आ जाएगा तो पूरा के पूरा कवर कर लेता है, जिसके वजह से फ्रूट का जो ग्रोथ है रुक जाता है। तो इसके लिए पानी से छिड़काव की कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेनर से, मैंने जो आपको एडवाइस किया उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेनर से डिस्कस करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी ऐसे और एक वीडियो के साथ। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, YouTube में है तो सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज में है तो पेज को फॉलो कीजिए। हम लोग के साथ बने रहने